Hey guys, welcome back to the channel. This is Sameer and you are watching MSQ Vlog. So guys, हम लोग हैं आज भोपाल में. आप लोगों की दुआ से आज हम लोग यहाँ तक पहुँच गए. अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे जाना है. आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों की दुआओं के साथ की ज़रूरत है और आगे जाना है यहाँ से. अभी हम लोग हैं इब्राहिम गोट फार्म पर सऊद भाई के साथ भोपाल में. ये कोई भोपाल में गाँव है, वहाँ पर हम लोग आए हैं. कौन से गांव पर है हम लोग जानेंगे सऊद भाई से, और क्या हम लोग देखने वाले हैं सऊद भाई से जानेंगे. ठीक है, इस वीडियो में देखने वाले जो है वो तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है, मैंने देखी है. अब हम लोग आपको क्या दिखाने वाले वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम सऊद भाई. वालेकुम सलाम. सऊद भाई, आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए जी, और आपने हमको यहाँ आने का मौका दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया. तो हम लोग चाहेंगे कि आप अपनी हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे. आप इस तरफ आए ना सऊद भाई, क्योंकि रोशनी शायद इस तरफ से आ रही है तो चेहरे पे डार्क नहीं ज्यादा दिख रही थी. थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे, कहाँ पे ये फार्म वो बताए. फार्म नेपानिया जाट के पास है, भोपाल से 18 किलोमीटर दूर पे. नेपानिया घाट है, नेपानिया जाट ओके. नेपानिया जाट पे है ये फार्म, और इब्राहिम गोट फार्म नाम है. इब्राहिम गोट फार्म सऊद खान ओके, फार्म का नाम है इब्राहिम गोट फार्म. अच्छा, हम लोग और ये चीज जानना चाहेंगे कि आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो पलाई का कॉन्सेप्ट है या ट्रेडिंग सेल ट्रेडिंग का भी कॉन्सेप्ट है. पलाई का भी कॉन्सेप्ट है और ट्रेडिंग का भी कॉन्सेप्ट. पूरा फुल पूरा साल हम लोग लोडिंग बोर्डिंग करते रहते जी, हैं जी, जी. सही है, और अपन पलाई पे भी रखते हैं बकरे. वीडियो की स्टार्टिंग में ही हम लोग बताएंगे हम लोग पलाई पे रखते हैं तो क्या चार्जेस हम लोग लेते हैं पलाई के. चार्जेस लेते हैं 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से चार्जेस लेते हैं. अभी हम लोग इस वीडियो में क्या दिखाने वाले सऊद भाई. मैं आपको एक कोटा और 3 मालवा दिखाने वाला हूँ. एक कोटा और 3 मालवा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी में है बकरे. तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले कोटे से. माशाल्लाह माशाल्लाह, नाम है मैक. मैक, ओह बहुत बढ़िया. और 39-40 इंच इसकी हाइट है, माशाल्लाह बहुत एग्रेसिव है. 39-40, इसने हम लोग के आते साथ ही अपना ट्रेलर दे दिया. जैसे हम लोग ने यहाँ से एंट्री करी गाइस, ये यहाँ बंधा हुआ था, ये हम लोग को देख के ही उछल गया था. मतलब इसने वहीं अपना मतलब दिखा दिया था रंग रूप. एग्रेशन बहुत है, आप देख सकते हैं वो बिल्कुल रस्सी पूरी घुमा ली है उसने. थोड़ा सा रस्सी इस तरफ आई क्योंकि बहुत छोटी हो रही है रस्सी. फुल एग्रेशन वाला बकरा है. अच्छा, इसीलिए इसको बाहर बांधा था क्या, कुछ और रीजन था? इसीलिए इसको बाहर बांधा था, इसको अलग से बांधते वरना दूसरे बकरों में एग्रेशन दिखाता है तो वो भी एग्रेसिव हो जाते हैं. ओके, दूसरे बकरे तो डैमेज करने के चांसेस रहते हैं ना, डैमेज करने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसको सेपरेटली अलग से बांधा. माशाल्लाह, क्या वेट पे है सऊद भाई? ये 80 kg, 75 से 80 kg के आसपास. 75-80 kg. और कितने दांत पर है ये? 8 दांत लगा हुआ है बकरा. 8 दांत ओके. और दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा सेल्फ फीडिंग. सेल्फ फीडिंग माशाल्लाह. ये अपने पास पलाई पर है या अपना पर्सनल है? ये इरशाद भाई है, सफायर गोट फार्म बेंगलोर. ओके, ये उनके बकरे हैं जो अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ. ओके, ये उनके बकरे हैं, ये मेरे पास अभी 15 दिन पहले ही आए हैं. और वो भी सेलिंग पर्पस के लिए ही आए हैं. बहुत बेहतरीन बकरा है ये. अभी कितने दांत बताए आपने? 8 दांत कर लिया है, लेकिन बकरा बहुत अच्छा है. और इसको और अगर चाहे तैयारी पे लेना तो आदमी ले सकता है इंशाल्लाह, है ना. हाँ, मतलब ये और अच्छा तैयार हो सकता है. वैसे ये हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ये बकरे इनको देने ही है. ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी में है बकरे, बेहतरीन. यहाँ पे अभी बारिश हुई नहीं है ना शायद? हाँ, बारिश अभी कल रात को हुई है, बहुत पानी गिरा ये खेतों में भरा हुआ सामने. ओके, बारिश अभी मतलब फर्स्ट बारिश यहाँ गिरी है. होपफुली शाम तक बारिश ना हो तो अपन यहाँ पे अच्छे सारे वीडियो शूट करेंगे और लोगों को अच्छी अच्छी क्वालिटी के बकरे दिखाएंगे. बहुत बढ़िया बकरा है ये, पैरों की मजबूती देखिए, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन. इसके सीने पे भी अच्छी खासी झालर है और उसके जो है ना पैर भी अच्छे खासे मोटे हैं माशाल्लाह, बहुत बढ़िया. और दांत तो ये खुद अपने दिखा रहा है तो हम लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हैं. ठीक है, तो सऊद भाई अभी हम लोग दूसरा क्या दिखाने वाले हैं? दूसरे में मैं आपको मालवा दिखाने वाला हूँ. मालवा तो अपने एक बात मैं बोलूंगा सऊद भाई, मैं मालवा से ज्यादा कोटा को एग्रेशन वाला बकरा समझता था, लेकिन मालवा ने कोई कसर नहीं छोड़ी एग्रेशन में. एग्रेशन में आप देखें, हाथ लगा रहे तो आप इसको छोड़ दोगे तो ये घुसा देगा अपने को, ऐसा बकरा है ये, है ना.
अच्छा, इसके पैर में कुछ लगा है क्या? इसके पैर में थोड़ी सी तकलीफ है, उसकी खुर में कुछ चुभा था, अपन ने उसको निकलवा दिया है। ओके, तो बकरा सही हो जाएगा ना? बकरा सही हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह। थोड़ा दिन पेन रहता, थोड़े दिन रहेगा पेन, सही है। वो माशाल्लाह ये देखिए 37 इंच हाइट पे मालवा, खूबसूरती इसकी बहुत अच्छी है। ब्राउन ब्राउन और ऑफ व्हाइट कलर में है, इसके खुर भी इसके ऑफ व्हाइट कलर में है, देख सकते हो। मार्वल खुर है माशाल्लाह, बकरा अच्छा है, खूबसूरत पिंक स्किन है इसकी ना, पिंक स्किन में, और सिंग भी इसकी पिंक स्किन रेड, हाँ वैसा है, सिंग भी इसके व्हाइट है। सिंग को क्या इसके कुछ ये घिसता है, एग्रेशन आपने देखा अभी? हाँ, अभी यहाँ पे ही घिस रहा था ये, सही है सही है सही है। बढ़िया माशाल्लाह, ये 80 kg के पास आएगा इंशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। अच्छा, अपने पास यहाँ पे वेइंग मशीन है? हाँ, वेट मशीन है, जिस भाई को भी वेट के लिए वीडियो चाहिए हो तो वो इंशाल्लाह मिल जाएगी। अच्छा, हम लोग ने उसके रेट की बात नहीं की भाई, बड़े वाले बकरे की जी, तो उसका रेट वगैरह हम लोग क्या कोट कर रहे हैं? पर्सनल के अंदर बताएंगे, पर्सनल में आजकल पर्सनल में ना लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं सऊद भाई, तो हम लोग कुछ अंदाजा दे सकते हैं क्या? नहीं, मसला ये है, पर्सनल में ये होता है कि जो भाई इसको ट्रेडिंग के पर्पज से खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए बेनिफिट होता है कि वो लेके इसको किसी और को सेल कर सकते हैं। सही है, अपन यूट्यूब पे वीडियो डाल के प्राइस डिस्क्लोज कर देते हैं तो दूसरा बंदा अगर जो इसको सेल करने के पर्पज से ले रहा है वो उसको लेता नहीं, नहीं लेता है। सही है, तो ये सारे बकरे क्या एक ही पार्टी के हैं या अलग अलग पार्टी? इरशाद भाई के हैं जो आप ये बकरे देख रहे हैं सर, सब एक ही पार्टी के। सही है, तो इसका भी डिटेल्स फिर अपन, रेट तो अपन बता नहीं पाएंगे। दांत अपन ने इसके बता दिए ना, दांत इसके 8 दांत है। वेट इसका, वेट इसका 80+ आएगा, 80+ इंशाल्लाह। वेट मशीन अपने पास है, ठीक है। मालवा है, प्योरिटी में मालवा है, बहुत एग्रेसिव है। पैर में उसके तकलीफ जरूर है लेकिन वो इंशाल्लाह सही हो जाएगी। उसके पैर में कुछ चुभ गया था तो उन्होंने निकाल दिया, तो पैर भी उसके इंशाल्लाह जल्दी सही हो जाएंगे। सही है, अब हम लोग आते हैं तीसरे बकरे पे। ये कौन सा है भाई? ये भी मालवा ही कहेंगे इसको भी, माशाल्लाह। फुल पिंक स्किन में, फुल पिंक स्किन में, बहुत बढ़िया। और आप क्वालिटी चेक कर ले, बकरे की जानवर वगैरह चेक कर ले, लंबाई चेक कर ले तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, क्या क्वालिटी है माशाल्लाह, पूरा फुल पिंक। झालर भी इसकी बहुत अच्छी है, झालर देखिए इसकी, माशाल्लाह। ये भी 80, इसके खुर भी व्हाइट है, झालर पूरा पूरा पिंक स्किन में है बकरा, माशाल्लाह। आप देख सकते हैं नजदीक से, देखो बहुत बेहतरीन, फुल पिंक, इसमें लंबाई बहुत है, लंबा बहुत है ना, और वेट भी माशाल्लाह 80+ आएगा इसका भी, 80+ आ जाएगा ये भी, और 38-39 इंच की हाइट आएगी, 38-39 इंच भी देख सकते हैं, आपकी कमर तक तो ये जा ही रहा आराम से। अच्छा, ये ज्यादा एग्रेसिव नहीं है ना? ये भी एग्रेसिव है, बस ये कि इसको छेड़ो तो एग्रेशन दिखाता है। अच्छा, नहीं छेड़ो तो चुपचाप शांति से रहता है, इसको छेड़ते नहीं है जानवर को, ताकि जानवर अपने नेचुरल वे में ले। उसमें क्या बकरे टूटते भी है ना? हाँ, उसमें आप जितना छेड़ करोगे तो वो उतना टूटते हैं। सही है, तो इसका इसके दांत अपन ने कितने बताए? 8 दांत है, और वेट भी अपन ने बता दिया, 80+ इसका वेट बता दिया, 8 दांत है। रेट के लिए आपको बात करना होगा इसके ओनर से या फिर सऊद भाई से, है ना, जो भी रेट रहेगा आपको कॉल पे बता दिया जाएगा। रीजन इन्होंने बता दिया है कि बकरा यहाँ से अगर कोई खरीदता है बेचने की नियत से तो फिर उसको आगे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और हम लोग अभी चौथा कौन सा बकरा देखने वाले? चौथा ये अपन 2 दांत का बच्चा देखने वाले हैं, गोल्डी। इसका नाम क्या? गोल्डी। गोल्डी बिल्कुल सॉफ्ट स्किन में है, जो आप देख सकते हैं, लोच वाली स्किन होती है ना, बिल्कुल सॉफ्ट। हाँ यार, ये देखें, बिल्कुल नरम 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 चमड़ी वाला, जो के पलटी वाले भी ले सकते हैं माशाल्लाह। ये अभी 2 दांत पर है? हाँ, 2 दांत पे, या लो बजट कुर्बानी वाले भी इसको ले सकते हैं। लो बजट मतलब इसका 12 कितना है? लो बजट आपके हिसाब से क्या होगा? लो बजट मेरे हिसाब से आज के टाइम में 20-22 हज़ार, 20-22 हज़ार, मेरे 12-15 भूलने जा रहा था, 12-15 हज़ार परचेज नहीं। हाँ, यहाँ पे क्योंकि अभी हम लोग ने अभी रस्ते में आते आते देखे तो उसने इतना बड़ा रेट मुंह खोल दिया, तो अपने को अंदाजा लग गया कि भाई मार्केट बहुत हाई है, हाई है छोटे जानवर का, क्योंकि हर इंसान जो 20-25 हज़ार का बजट लेके बकरा रखता था वो फिर छोटे जानवर पे ही जा रहा है, क्योंकि बड़ा जानवर उसको उस रेट में नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये 2 दांत पर है, वजन क्या है इसका? इसका वजन इंशाल्लाह 45-50 kg के बीच में आएगा, 45-50 kg के बीच, तो एग्जैक्ट मान के चलिए 45 तो इंशाल्लाह।
बकरा खूबसूरती में देखें आप कितना बहुत बढ़िया है वो कलर कॉम्बिनेशन, कलर इसका कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। चेहरा देखें आधा पिंक है ये, हाफ पिंक कहलाएगा ये। अच्छा उस तरफ से पूरा पिंक स्किन है इसका, हाफ पिंक कहलाएगा, मुंह पूरा आधा पिंक है उसका। देखिए बढ़िया माशाल्लाह। तो ये इसका प्राइस हम लोग बताएंगे या इसका भी कॉल पे बताने वाले? ये भी सेम ओनर के बकरे हैं, कोई पालने के लिए लेता है या कोई बेचने के लिए किसी को, तो उसको सब सेम ओनर के ही बकरे हैं ना ये। माशाल्लाह बकरे बहुत अच्छे हैं, चारों के चारों बकरे अच्छे हैं, एक कोटा है, तीन मालवा है, और रेट भी, रेट जो है इनको ये कॉल पे बताएंगे, वेट वगैरह दांत वगैरह सब हम लोग ने वीडियो में बता दिया है आपको। स्क्रीन पे सऊद भाई का नंबर हम लोग दे देंगे और जिनका जिनके बकरे है उनका नंबर हम लोग दे देंगे स्क्रीन पे, तो आप लोग डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार और हम लोग आपको बकरों को दिखा देते हैं नजदीक से। ये देखिए ये पहला बकरा कोटा, दूसरा बकरा मालवा, एग्रेशन देखो आप इसका, बस इसके नजदीक आ रहे हैं तो ये चिल्ला रहा है। ये देखिए ये है मालवा, ये तीसरा बकरा, ये भी है मालवा में, गुलाबी बेहतरीन कलर में है बहुत। ये देखिए बहुत अच्छे है, इसकी झालर वगैरह तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है, इसके खुर भी अच्छे है व्हाइट में। पर एक ये बकरा है, ये भी मालवा में है। टोटल चार बकरे हैं, चारों की डिटेल्स हम लोग ने शेयर करी, नंबर स्क्रीन पे हम लोग साउथ भाई का और जिनके जिन जो बकरों के ओनर है इरशाद भाई उनका नंबर हम लोग स्क्रीन के ऊपर दे देंगे, तो आप लोग इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सो साउथ भाई ये वीडियो हम लोग क्लोज करते हैं। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।